ए एस होम क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं चने की दाल के भरे। इसके लिए हमें चने की दाल चाहिए है, जिसको हमने 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। इसको साफ पानी से धो के इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इसको पीसेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें लहसुन, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। लाल मिर्च आपको जितना तीखा खाना हो उस तरह से रखिए, और साथ में रहेगा स्वाद अनुसार नमक। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा आटा। आटे के जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं, उसी तरह इसमें हमें नमक डालकर एक मुलायम डो बना लेना है। इसको डो बना के हम एक 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और चने की दाल को भी हम पीस लेते हैं साथ में पूरा सामान डालकर। तो इसके बाद हम फराह बनाना शुरू करेंगे। फरे चावल के भी बनते हैं, दोनों ही टेस्टी लगते हैं। चाहे चने की दाल से बनाइए, चाहे चावल के आटे के फरे बनाइए। तो चलिए पहले चने की दाल पीस लेते हैं और साथ में आटे का डो तैयार कर लेते हैं, फिर फरा बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल को मिक्सी जार में डाल लेना है, और बाकी जो पूरा सामान है हमारा, लहसुन, जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, इन सबको हम इसमें डाल देंगे और इन सबको हमें अच्छे से पीस लेना है। चलिए सारे मसाले डालकर हम इसको पीस लेते हैं। इस तरह हमने एक आटे का मुलायम डो तैयार कर लिया है, और साथ में ये चने की दाल भी पीस कर तैयार हो गई है। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है। अभी हमें बनाने के लिए एकदम तैयार हो गया है। अब आटे से हम लोई तोड़ के और पूड़ी की तरह बेल लेंगे। तो चलिए पहले पूड़ी बेल लेते हैं, फिर इसको भरना बताते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने दो बेल ली है पूड़ी की तरह, इस साइज की हमें बेलना है। अब इसमें इस चने की दाल को रखकर इस तरह से हम इसको एक साइड से पलट देंगे ऐसे, और इसे किनारे किनारे को दाब देंगे। इन्हें हम पानी में उबाल के बनाएंगे। इसी तरह दूसरी पूड़ी पर भी हम दाल रखेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे, और किनारों को हम दाब देंगे ताकि दाल बाहर ना निकले, और पानी में इन्हें उबाल कर हम बनाएंगे। इसके साथ ही हम जो गुजिया का सांचा होता है इसमें भी भर कर हम इन्हें बना सकते हैं। पूरी लेके इसमें रख देना है। इसको भर के हम इसे दाब देंगे। तो इसमें गुजिया की शेप की बहुत अच्छी बन जाते हैं परे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने कुछ परे बना के तैयार कर लिए हैं। ये हाथ से हमने भरे थे, ये उस तरह से है, और ये गुजिया के सांचे में हमने भरे थे उस तरह से। दोनों तरह से अच्छे से भर जाते हैं और उबल भी अच्छे से जाते हैं। आपको जैसे में सुविधा वैसे भर सकते हैं। तो चलिए और बाकी भरने के बाद हम पानी में उबाल लेते हैं इनको। ये पानी देखिए अच्छे से खोल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1-2 टीबून तेल डालना है। ऐसे क्या कि फरे आपस में चिपकते नहीं हैं। उसके बाद हम इसमें सभी फरों को उबलने के लिए डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमें सभी को डाल देना और ढक्कन लगाकर हम इन्हें पका लेंगे। और जब ये पक जाते हैं तो ये अपने आप उबल आ जाते हैं पानी में, या फिर आप किसी चाकू वगैरह की नोक से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पर ढक्कन लगा कर रख देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं, ये ऊपर भी आ गए हैं। इन्हें एक आध और पलट के हम इन्हें निकाल लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। वैसे चाकू की नोक भी इनमें लगा के देखी जा सकती है कि यदि साफ चाकू निकल आती है तो समझ लीजिए कि पक गए हैं। वैसे ये पक के अपने आप ऊपर आ जाते हैं पानी पर। दोनों तरफ से अच्छे से हो जाने के बाद हम इन्हें किसी छन्नी में निकालेंगे ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसे एक छन्नी पर, इस तरह की छन्नी पर हम इसे निकाल लेंगे, तो जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो होगा इससे छन जाएगा। इस तरह से हम सभी फलों को निकाल लेंगे, और इसी तरह बाकी फले भी हम तैयार करके उबलते हुए पानी में सेंक लेते हैं।
हरा को फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें डालेंगे कुछ करी पत्ते। करी पत्ते के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी राई। राई की चटक जाने के बाद हम हरों को दो तीन हिस्से में काट देते हैं और उसको इसमें डाल देंगे। चला लेना है और इसी में हम काली मिर्च और नमक भी डाल देंगे। काली मिर्च और नमक डालने से अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। हम एक दो मिनट चला के फिर हल्के लाल से हो जाए उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों तरह से फले तैयार हो गए हैं। ये हमने उबाल के तैयार किए हैं और इनको थोड़ा सा फ्राई किया है। दोनों तरह से फले खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और साथ में चटनी और घी। फलों पे अच्छे से घी लगाकर इसको चटनी के साथ खाएं बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम पूरे उसमें घी लगा लेंगे और घी अच्छे से लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें अच्छे से घी लगाकर और धनिया पत्ती की चटनी है बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे इसके साथ यदि आप आम और पुदीने की चटनी भी खाएं तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए हमारे फले कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।